नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी शुरू हो रही है बारिश, हो गई है, बहुत ही बढ़िया सीजन है बरसात। आप देखना दोस्तों, यही वो सीजन है जब जीव बहुत ज़्यादा प्रमाण में इस संसार में अवतरित होते हैं, कण कण में जीव पड़ जाते हैं, पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है। इसीलिए बरसात में सावन का महीना आता है, जब सृष्टि दोस्तों अपनी 16 कलाओं में खिलती है, नाच उठती है, झूम उठती है। आप देखना, ये पूरी प्रकृति दोस्तों सावन में बहुत सुंदर दिखाई देती है। बरसात में एक या दो बरसात भी हुई नहीं कि पूरी सृष्टि का पूरा जो दृश्य है वो दृश्य ही बदल जाता है। पूरी दुनिया जैसे स्नान करके खड़ी है, एंड स्पेशली जो नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पेड़ पौधे, हरे भरे खेत हैं, नदियाँ बह रही हैं, आप देखें ऐसी जगह पर तो जैसे स्वर्ग उतर कर आ जाता है ना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बारिश में स्नान जरूर करना चाहिए। बरसात में स्नान करने से आप कई प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है ये बेहद शुद्ध होता है। तमाम प्रकार की नदियाँ जहाँ आप ऐसे सीधे सीधे स्नान करने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, बारिश दोस्तों तमाम नदियों के जल को, समुद्र के जल को लेकर के आती है और वो आपके आंगन में बरसती है। तमाम प्रकार के दोषों से, संतापों से आपको मुक्ति मिलती है। बारिश के पानी में जरूर स्नान करें। घर में भी हमेशा दोस्तों बारिश का पानी स्टोर करके जरूर रखें। इससे जीवन बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, बहुत ही ज़्यादा आह्लादक हो जाता है। धन स्थान में बारिश का पानी जरूर छिड़कें, थोड़ी हल्दी मिला करके। इससे हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होती है। बरसात के पानी से आप अपने जो सोने चांदी के दागीने हैं, जो जेवर हैं, उन्हें जरूर धुलें। इनको धोने से दोस्तों तमाम प्रकार के जो लक्ष्मी के बंधन होते हैं वो दूर होते हैं। जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कलह हो गई है, उन्हें तो बिना भूले बारिश के पानी में स्नान करना ही चाहिए। जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम है, बारिश के पानी में जरूर स्नान करें, तमाम प्रकार के दोष दूर होते हैं। दोस्तों, बारिश के सीजन में आप देखना, यदि बाहर धूप है और आप किसी चीज़ का संकल्प करके घर से निकले हैं और अचानक बारिश आ जाए, तो समझिए ये काम आपका होगा ही होगा। कोई भी ज़रूरी काम से आप घर से निकले हैं और अचानक बारिश आती है और चली जाती है, जैसे थोड़ी धूप भी हो और बरसात गिर रही है, समझिए आपका काम होगा। कोई ऐसा काम हो जो आपके दिमाग में है और आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप घर से निकले हैं, बारिश भी हो रही है और धूप भी है, आप उस समय उस काम के लिए ज़रूर भगवान से प्रार्थना करें और 11 बार या 21 बार आप उस काम को ज़रूर बोलें कि मेरा ये काम हो, आपका वो काम बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, यही वो समय होता है जब धूप और बारिश इकट्ठा होती है, तब इंद्रधनुष आकाश में बनता है। तमाम ग्रहों के कलर आकाश में अपने आप बन जाते हैं। किसी कोई भी ग्रह दोष यदि आपको परेशान कर रहा है, इस समय यदि आप अपनी इच्छा बोलते हैं, आपका काम तुरंत होता है। जब भी आप बारिश में स्नान करें, ओम नमो वरुण देवाय नमो नमः, ओम नमो वरुण देवाय नमो नमः, इस मंत्र का आप, मंत्र को जितना ज़्यादा हो सके आप बोलें, इस मंत्र का आप जाप शुरू करें, सुख और समृद्धि आपके घर में बहाने मार मार कर आएगी। हर समय का दोस्तों
बहुत बड़े बड़े इसके प्रॉफिट होते हैं, बहुत बड़े इसके प्लस पॉइंट है यदि आपको पता हो और आप समय समय पर उन क्रियाओं को करते रहे, जिंदगी में कभी गरीबी दुख दर्द नहीं आते हैं। तो ये छोटा सा काम है, इस बारिश में जरूर करें, बहुत बढ़िया अनुभव होंगे, करके देखिए। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं जो फ़ोटो मेरा डाल रहे हैं और नंबर अपना लिख रहे हैं। जो लोग आपसे बात कर रहे हैं वो भी नकली बिना भदौरिया है और नकली लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे मांगे नहीं जाते हैं, ये लोग बहाने बना बना कर लोगों से पैसे मांग रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।